नमस्कार, मी नामदेव कांबळे, जे एम ए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जे एम ए न्यूज बातमीपत्रात। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाइन्स। चैत्यभूमीवर जनसागर उसळला, महापरिनिर्वाण दिनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन। ठाकरे गटाचे खासदार आक्रमक, सीमावादाचा मुद्दा तापणार, संसदेत वादाचे पडसाद उमटणार। एकनाथ शिंदेची भायगिरी आता कुठे गेली, ढाल तलवार चिन्ह वापरायची लायकी नाही, संजय राऊत। केजरीवालांचा भाजपला तणका, दिल्ली पालिकेतील सत्ता होणार खल्लास, एक्झिट पोलचे आकडे आले समोर। जगातील रहस्यमय 5 खंजिने, जो कोणी शोधेल होईल मालामाल, 2 तर भारतातच। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्या और आप देख रहे हैं जेएमई न्यूज़। और आज इस वक्त एक भव्य मतलब शिविर कार्यक्रम जो आज आपको देखने को मिलेगा, आई बिट्स जो एक बहुत ही बड़ी एक संस्था जो आज काफ़ी दिनों से मतलब इस इवेंट को चलाकर हर जगह पहुंचकर जो लोगों की रक्त की तपास, रक्त का जो चेकअप होता है, उसी के साथ साथ आँखों का चेकअप, ये ज़मीनी स्तर पर इस तरीके का एक काम करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देखेंगे कि इसमें जो जमीन स्तर के लोग हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। इसमें आप अगर देखेंगे आज मतलब जो एनआरएस फाउंडेशन, उसके बाद जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हरीश भांदरगी जी, उन्होंने इस संस्था को आज मतलब कर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया है। इसी आईबिट्स की तरफ से जो आप इस संस्था को देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आज मिलकर इतना बड़ा एक जो कैंप चलाने के साथ साथ जो लोगों की भीड़ को भी हैंडल करना, इसी के जो वॉलंटियर्स है आईबिट्स के, वो इस भीड़ को भी संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। यहीं पर मतलब जो जैसा आपने देखा कि आंखों की जांच होती है मशीन के द्वारा, और उसके बाद जो है यहाँ जो चश्मे जो आँखों के नंबर होते हैं, मतलब कितने नंबर का चश्मा इनको फिट बैठेगा और आँखों के लिए क्या सही है, उसे देखते हुए दर्शाते हुए यह पूरी टीम जो है इस पर काम करती हुई आपको नज़र आएगी। यहीं इसी लाइन पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो रक्त जांच के और चश्मे के लिए जो आई हैं कि एक महिला यहाँ पर मेरे समक्ष उपस्थित है। मैम, क्या नाम है आपका? रोशनी पांडे। रोशनी जी, कहाँ से आ रही हैं? यही बासमी से आ रहे हैं। अच्छा, आज जो एक मतलब इवेंट यहाँ पर कैंप चला गया है, आप रक्त जाँच करने के लिए आई हैं या चश्मा लेने के लिए? दोनों के लिए ट्राई। दोनों के लिए आई हैं यहाँ पर? दोनों को मतलब दोनों एक साथ कंपलसरी है क्या? शायद, अभी मुझे भी नहीं पता है। टीम जो आई बीट्स की टीम यहाँ पर उपलब्ध है और ये डॉक्टर भी मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। मैम, अब तक कितने लोग आ चुके होंगे यहाँ पर? अभी तक तकरीबन 200-250 लोग आ चुके हैं। अभी तक सुबह से हम 8 बजे से उनकी जांच चल रही है, सो अभी तक 200-250 लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हम आईबीटीज़ की तरफ से हमारा इनिशिएटिव यही है कि जितने लोगों की आँखों में मोतियाबिंद है या फिर जो हमें बीमारियाँ होती है, जैसे बीपी होती है, शुगर होता है, थायराइड होता है, उसकी वजह से ना बहुत बार ऐसा होता है कि आँख के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, आँख के अंदर भी तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से। तो हमारा इनिशिएटिव यही है आईबीटीज़ की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आँखों की जाँच होकर ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि किसकी आँख में क्या तकलीफ़ है, ताकि हम उनकी तकलीफ़ का निवारण कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आँखों की जांच के लिए खास एक जो नई तकनीक के द्वारा मतलब जो आज एक जांच यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट नहीं रखी गई क्योंकि आँखों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, और उसके बाद जो इस आधुनिक जो मशीन है, हो सकता है कि इसके जो नसें होते हैं आँखों के बीच में, कहीं ना कहीं उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसी वजह से इस नई तकनीकी मशीन से इन चीज़ों को देखा जाता है। मैं अभी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूँगा, यहीं के मतलब एक डॉक्टर है जो, मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। मैम, क्या जानकारी देना चाहते हैं आज आप आँखों के विषय में? ये हमारा आईबीटीज की ओर से आई चेकअप है, जिसमें हम स्पेशली रेटिना चेक करते हैं। रेटिना जो बहुत इम्पोर्टेंस है, जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिसमें ना रेटिना में असर होता है तो पेशेंट की आँख का विज़न जा सकता है। और एक ग्लोकोमा करके, जिसको काला पानी बोलते हैं, वो काला पानी बहुत इम्पोर्टेंस है, जो धीरे धीरे पेशेंट की आँख की नज़र को कमज़ोर कर देता है और नज़र चली जाती है इसमें। तो ये सब पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है, उसका हम चेकअप कर रहे हैं आईबीटीज की ओर से है ये।
जिससे पेशेंट के लिए एक अच्छा फ़ायदा है कि उनकी आँख खराब होने के पहले हम बचा सकते हैं, जिसका डायबिटीज़, रेटिना और ग्लोकोमा का असर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक कर सकते हैं। जमीनी स्तर पर इस तरीके का एक काम जो मतलब आज NRS फाउंडेशन और उसके बाद जो IBDs की पूरी टीम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मौजूद हैं और दूर दराज से आने वाले लोग भी हमारे समक्ष इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लोकेश सिंह है। लोकेश जी, क्या जानकारी देना चाहते हैं आज जो आपके क्षेत्र में इस तरीके का एक जो काम रखा गया है, क्या बोलना चाहते हैं और क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखिए, ये जो कार्यक्रम रखा गया है, खासकर नज़र की बात जो है, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो दो चार घंटे के लिए होता है और लोग आधे लोगों को उसका सुविधा मिल पाता है और आधे लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस बार NRS फाउंडेशन के थ्रू जो ये आँख टपासणी का काम रखा गया, ये 3 दिनों का प्रोग्राम है। सर, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि आँखों की रोशनी का बहुत अच्छा सा वो रखा गया है NRS फाउंडेशन की तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और जैसे कि एक दिन का होता है, दो चार घंटे का होता है, तो पब्लिक उसकी सुविधा नहीं ले पाती है। हमने 4 दिन का रखा हुआ है, तो इसीलिए पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा बॉडी चेकअप है इसमें, डायबिटीज़ के चेकअप हैं, ब्लड के चेकअप हैं, हर तरह से पूरा चेकअप करके ना। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र करंदीकर। आज आपके क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा जो कैंप आज आँखों के विषय में और उसके बाद ब्लड टेस्ट और काफ़ी सारी जो उसमें टेस्ट है, जो एक आदमी के जीवन में कई सारी बीमारियां होती है उसका जांच पड़ताल यहाँ पर रखा, क्या कहना चाहते हो आप? आज बोलने जैसा ऐसा है कि हरीश भाई ने इतना शिविर भरे लिया सब जगह और सब आदमी लोग का बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब आग का डायबिटीज़ और इतर सब देखे लाए, बहुत अच्छा आदमी लोग भी बहुत आए ला इधर, ऐसा आदमी किधर मिलने वाला है, अगला टाइम यही चुन के आने वाला है हरीश भाई। टीम की तरफ से रखा गया इसी जो रक्त शिविर में आप देख सकते हैं कि जो जांच करती हुई एक डॉक्टर यहाँ पर मेरे समझ यहाँ पर बैठे हुए। मैम, क्या जांच कर रही हैं आप? CBC, HbA1c और थायराइड। अभी तक कितने लोगों का जांच हुआ होगा आपके माध्यम से? 150, 120। उपस्थित NRS फाउंडेशन के जो संस्थापक नितेश सिंह जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपके माध्यम से एक बहुत ही बड़ा जो कार्यक्रम यहाँ कैंप चलाया गया है और कहीं ना कहीं लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और अपनी आंखों की जांच भी की, जमीनी स्तर पर इस चीज़ की जो सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने अपने फाउंडेशन के माध्यम से किया भी है, पर और ज़्यादा ज़रूरत जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 90 फीट चांदीवली जो इलाका है, ये घनी एक वस्ती है, स्लम बहुत बड़ा है और लोगों को जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो महानगर पालिका और हर तरीके से कराने का प्रयत्न यहाँ के नगर सेवक आदरणीय हरीश बांदीरगे जी कर ही रहे हैं। उसके अंदर ये एक और लाभ देने का हम लोगों का NRS फाउंडेशन की तरफ से प्रयत्न रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोग सफल हुए, यहाँ के लोगों ने सुविधा बहुत अच्छे से स्वीकारी है और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस शिविर में। लगभग 4,000 लोगों ने शिविर का लाभ लिया है और आने वाले समय में इसी प्रकार की और बहुत सारी ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न हम लोगों का रहेगा। यहाँ पे अनिल गलगली जी भी उपस्थित हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा है इस शिविर में। डॉक्टर निशांत कुमार जी, जो कि जिनके मेहनत से ये शिविर हो पाया है, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत किया है 4 दिन तक, हरीश बांदीरगे जी ने बहुत समय दिया है और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हमारी संस्था की तरफ से, हमारे संस्था के सदस्य भी हैं हरीश बांदीरगे जी, तो मैं बाकी उनके कार्यकर्ता सबको मैं नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय दिया और लोगों की सुविधा के लिए तत्पर थे। यहीं पर उपस्थित जाने माने RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी भी यहाँ पर हैं। सर, अत्याधुनिक मशीनों से यहाँ पर जांच हो रही है और उसके बाद जो है लोगों के एक सही तरीके से जो आँखों की जो जांच रेटिना को अगर देखते हुए किया जा रहा है, ये सेवा और किस किस इलाके में प्रदान होना चाहिए आपके माध्यम से, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। नितेश राजन सिंह NRS फाउंडेशन के द्वारा जो इस शिविर का आयोजन किया है, लगभग 4,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। सबसे बड़ी बात है कि शिविर तो होते रहते हैं, चश्मा बांट देते हैं, मगर यहाँ पर जो मशीनों के जरिए आँखों के भीतर जाकर जो जांच हो रही है, जिससे उस मरीज को पता चलता है कि एग्जैक्टली उसे इश्यू क्या है, क्योंकि चश्मा बनाना, नंबर आना जाना ये अलग बात है,
मगर जो रेटिना होती है वो महत्वपूर्ण होती है। कोई भी आँख है, चश्मा ऊपर से हमें सुरक्षा देता है, मगर अंदर से जो रेटिना जो सुरक्षा देती है उसी जांच यहाँ पर हुई है। और रेटिना अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी आँखें और अच्छी तरह से पूरे जग को देख सकती है। यहाँ पर जो हमारे नगर सेवक हरीश भारती के जी है, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर निशांत कुमार, इन्होंने काफ़ी अच्छी पहल करके, क्योंकि आज जिस तरह से डॉक्टर पॉश इलाके में जाकर शिविर लेते हैं, मगर उन्होंने एक अच्छी सोच रखी, स्लम में आकर आम लोगों को, गरीबों को सेवा देने का जो उनका एक संकल्प है, कहीं ना कहीं तो पूरा होते दिख रहा है। मैं फिर एक बार NRS फाउंडेशन, हरीश भारती के, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इसी तरह के शिविर सकीना का हो, और जो अपने अलवर के अलग अलग जो इलाके जहाँ पर स्लम में लोगों को आवश्यकता है वहाँ पर करने की आवश्यकता है। यहीं पर पूर्व नगर सेवक हरीश भानेरकी जी भी हैं। सर, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, कहीं ना कहीं जो बढ़ते चढ़ते हुए जो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो मैदान भी मुझे लग रहा है कि आज कम पड़ गया है, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? ऐसे है कि ये 15 तारीख से चल रहा है, मतलब गुरुवार से आज रविवार है, 15 तारीख से 18 तारीख तक ये मुफ्त मेडिकल कैंप चल रहा है, और रोज़ यहाँ पे कम से कम 600 से 700 लोगों मतलब उसका फ़ायदा उठाया है। और सबसे पहले मैं जो NRS फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर नितेश राजन सिंह जी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अच्छा यहाँ पे सहयोग दिया है, और उसके वजह से यहाँ की जनता, क्योंकि यहाँ के जनता है जो डेली कमाना और डेली खाना ऐसे लोग हैं, और उनको इतनी भारी जो दवाइयाँ है, बाद में जो चेकअप है वो उनको परवड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुविधा कराया इसके लिए सही में मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और आज जनता ने भी, मैं 15 तारीख से देख रहा हूँ यहाँ की जनता है यहाँ का जो फ़ायदा उठा रही है, और उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। और ऐसे ही कैंप हमारा अभी तय हुआ है, ऐसे ही कैंप अभी हम लोग हर जगह लेने वाले हैं। जैसे कि आज NRS फाउंडेशन है, उसके बाद जो IBDs की जो मतलब एक टीम, जो डॉक्टर की टीम खासकर मधुमेह के ऊपर और जो आँखों की रेटिना के ऊपर जो काम करती है हर इलाके में, हर जगह जगह पर जा जाके, और NRS फाउंडेशन की तरफ से, और जैसे कि आज हरीश भानेरकी जी ने भी कहा कि इस IBDs के जो टीम है इसके द्वारा मैं हर इलाके में इस संस्था को लाकर हर जगह लोगों की सुविधा को बढ़ाएंगे। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।